सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में जोड़ी है। आज की शाम में हम आपके लिए, आपके परिवार, आपकी जरूरतों और आपकी समस्याओं के लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपको मैं गवाही से उत्साहित करना चाहती हूँ, बहन पवन की गवाही से जो कि अमृतसर की रहने वाली है। उनका कहना है कि काफी समय से उनकी बॉडी में खून की कमी थी और बहुत ज्यादा वीकनेस उनके शरीर में थी। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उनकी हर एक वीकनेस को, हर एक खून की कमी को पूरा किया और प्रभु ने उन्हें हील किया। उनका कहना है कि मैं तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद कर रही हूँ कि सच में मैं इतना कमज़ोर महसूस कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि शरीर में जान नहीं है, परंतु जब प्रभु से उन्होंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उनके जीवन में चंगाई को दिया और हर एक खून की कमी और हर एक वीकनेस उनके शरीर से चली गई। सच में हमारा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपके जीवनों में भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करना चाहते हैं। आप ही हमारे साथ, इसलिए आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना को करें, वचन को सुने, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करें, वह आपके जीवनों को भी आशीषित करें। चलिए हम सब मिलकर आज की शाम में परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आपको आपके भविष्य के बारे में नहीं पता, आपको नहीं पता कि कौन सा सही रास्ता है जो आपकी मंजिल तक जाएगा। आपको नहीं पता कि कौन सा निर्णय आपको लेना चाहिए, किस रास्ते पर आपको चलना चाहिए, आपको नहीं पता है। परंतु एक है जिसे सब कुछ पता है, जिसे आपके भविष्य के बारे में पता है, जिसे पता है कि किस रास्ते पर आपको चलना है जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सको, कौन सा निर्णय आपको लेना है उसे पता है। यदि आप उसके पास जाएं, उससे पूछें कि मुझे कौन सा निर्णय लेना है, किस रास्ते पर जाना है, तो वो आपको सही रास्ता दिखाएगा और आपका हाथ पकड़कर उस रास्ते पर आपको चलाएगा। मेरे प्रियो, यर्मिया की किताब उसका 31 अध्याय और 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले जाऊंगा जिससे वे ठोकर न खाएंगे, क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मैं उन्हें, यानी कि जो कोई उसके पास आता है, उन्हें परमेश्वर नदियों के किनारे किनारे से लेकर के जाता है ताकि उनको किसी भी भली वस्तु की कमी ना हो, ताकि उन्हें पानी की कमी ना हो, ताकि उन्हें छाया की कमी ना हो, ताकि वो सुरक्षित तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। इसलिए परमेश्वर उन्हें नदियों के किनारे से लेकर के जाता है और उन्हें चौरस भूमि में लेकर चलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें चौरस स्थान से लेके चलता है, यानी कि ऐसे मार्ग पर लेके जाता है जहां पर कोई भी ठोकर का पत्थर नहीं होता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। वो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि बाइबल कहती है कि वो हमारा पिता है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह से अपने रास्ते के बारे में पूछेंगे, प्रभु यीशु मसीह से अपनी मंजिल के बारे में पूछेंगे, प्रभु यीशु मसीह से पूछेंगे कि आपको कौन सा निर्णय लेना है, किस रास्ते पर चलना है, तो प्रभु यीशु मसीह आपको सही दिशा निर्देशन करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह आपको सही रास्ता दिखाएंगे, न केवल सही रास्ता दिखाएंगे बल्कि वो आपके हाथ को पकड़कर आपको उस रास्ते पर चलाएंगे भी, जहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपको कोई ठोकर उस रास्ते पर नहीं लगेगी, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में होगा। वो आपको ऐसे रास्ते पर लेकर के जाएगा जहां पर किसी चीज की घटी कमी नहीं होगी, वहां पर कोई ठोकर का पत्थर नहीं होगा, वहां पर धूप लगने पर छाया होगी, प्यास लगने पर पानी होगा, भूख लगने पर अनाज होगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसे रास्ते पर आपको लेकर के जाएगा। इसलिए अपने जीवन के निर्णयों के लिए, अपने भविष्य की योजनाओं के लिए, अपने रास्तों के लिए परमेश्वर से पूछें, प्रभु यीशु मसीह से पूछें, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। उससे प्रार्थना करें, वो आपको हाथ पकड़कर उस रास्ते पर चलाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम
सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाकर उससे प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सच में तू दयालु अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है यीशु राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, ये समय दिया प्रभु कि हम तेरी उपस्थिति में आए, ये समय दिया कि हम अपने जीवनों से तुझे दिन दिन भर की तमाम बातों के लिए धन्यवाद कर सके। लॉर्ड आपने सुरक्षित रखा, आपने हर एक खतरे मुसीबतों से बचाकर दिन भर में हर एक दुर्घटना से बचाकर ये समय दिया कि हम तुझे धन्यवाद दे सके। लॉर्ड धन्यवाद, जितने भी लोग जितने भी भाई बहन मेरे साथ इस प्रार्थना को कर रहे लॉर्ड फादर, उन्हें तेरे नाम से ब्लेस करते हैं, तेरे लहू में उन्हें कवर करते लॉर्ड जीसस प्रभु। सच में मेरे पिता परमेश्वर, हम एक स्वर में तुझे धन्यवाद करते प्रभु, एक स्वर में तेरे नाम की बड़ाई करते प्रभु। सच में मेरे प्रभु, आप बढ़ते जाएं और हम घटते जाएं परमेश्वर पिता। लॉर्ड हमारे जीवनों से ये जो जीवन आपकी ओर से हमें मिला है लॉर्ड, ये आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर तेरी आशीषों के लिए, धन्यवाद करते प्रभु तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जो दया आपने इन भाई बहनों पर हम सब पर की है प्रभु, हमारे प्राणों को बचाया, हमें पिता परमेश्वर नया जीवन दिया लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी कि सच में तू जगत की ज्योति है, धन्यवाद कि तूने हम सब के जीवनों में अपने ज्योति को दिया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, होने दे पिता परमेश्वर आज की शाम में प्रभु जी, आप इन भाई बहनों के जीवन में अपने प्रकाश को, अपनी ज्योति को दे पिता परमेश्वर, इनके अंधकार में जीवन को आप ज्योतिर्मय करें मेरे प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड प्रभु, ये आपके वचन के अनुसार अपने जीवन में चलने वाले हो सके प्रभु, अपनी भावनाओं से नहीं, अपनी सोच से नहीं, परंतु तेरे वचन में ये चलने वाले हो सके मेरे प्रभु जी। कोई भी हमें तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता, कोई भी हमें तेरे हाथ से नहीं छीन सकता लॉर्ड, क्योंकि हम तेरे संतान है, तेरा निज भाग है, हम तेरा निज धन है, हम तेरे राजदूत हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते लॉर्ड फादर, सच में मेरे पिता तू हमें चौरस मार्गों में लेकर जाने वाला परमेश्वर है, तू हमें उत्तम वस्तुओं से तृप्त करने वाला परमेश्वर है लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता तेरी सामर्थ के लिए। आज की शाम में मेरे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति इनके संग में होने पाए लॉर्ड, तेरी प्रेजेंस को ये फील करने पाए लॉर्ड, आप इनके साथ में हैं, इनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, इनकी प्रार्थनाओं में अपने कान को लगाने के लिए लॉर्ड, आप इनके साथ, इस भाई इस बहन के साथ में, इनके परिवार के साथ में लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आज की शाम में प्रभु, अपनी सामर्थ से इन्हें भर दीजिए परमेश्वर पिता, होने दे प्रभु ये तेरी प्रेजेंस को फील करने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आप इन्हें अपने सामर्थ से भर दीजिए पवित्र आत्मा, आप इन्हें गाइड करें प्रार्थना में, जिन्हें प्रार्थना करना नहीं आता होली स्पिरिट आप उन्हें प्रार्थना करना सिखाइए। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु, कि सच में प्रभु जिसके द्वारा तूने हमसे बातचीत किया लॉर्ड, सच में मेरे खुदावन तू अपने लोगों को मेरे खुदावन चौरस मार्ग पे ले जाने वाला, नदियों के किनारे से लेकर जाने वाला प्रभु परमेश्वर है मेरे खुदावन यीशु मसीह, उत्तम खाने की वस्तुओं से तृप्त करने वाला और कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला, हर मार्ग में अगुवाई करने वाला, सही रास्तों को चुनने में हेल्प करने वाला परमेश्वर है मेरे खुदावन यीशु मसीह। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए मेरे प्रभु जी, यदि अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर कंफ्यूज हैं, यदि अपने जीवनों में ये सही रास्ते चुन नहीं पा रहे हैं मेरे प्रभु, होने दे अपने वचन के अनुसार आप इनकी अगुवाई करें एक सही रास्ते में चलने में, एक सही मार्ग को चुनने में, अपने जीवन में प्रभु हर एक बात के लिए प्रभु ये तुझसे पूछने पाए लॉर्ड, हर एक मार्ग में प्रभु चलने से पहले ये तुझसे पूछे कि प्रभु हमें किस रास्ते पर चलना है, हमें क्या करना है लॉर्ड, आप इन्हें बताइए जिस प्रकार प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जब आपकी योजना के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करते लॉर्ड, तो आप हमारे जीवन में प्रभु आशीषों को लेकर आते हैं, बरकत को लेकर आते हैं लॉर्ड, आप हमें चौरस मार्ग में ले चलते हैं। धन्यवाद प्रभु, ये भाई ये बहन यदि अपने जीवन में प्रभु जी सही रास्तों को नहीं चुन पा रहे हैं, अपने जीवन में कंफ्यूजन इनके लाइफ
लाइफ में है लॉर्ड, क्या करना है, कैसे करना है, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, लॉर्ड इन्हें अगर नहीं पता है तो प्रभु आप इनकी मदद करें। जिस प्रकार आपने 40 लाख इसराइलियों की अगुवाई की, उन्हें सही रास्ते में आप ले गए, आप उन्हें नदी के किनारे ले गए कि वह कभी प्यासे नहीं रहे, आपने उन्हें उत्तम उत्तम भोजन वस्तुओं से तृप्त किया कि वह कभी भूखे नहीं रहे। लॉर्ड आपने पिता परमेश्वर आग का खंभा बनकर उनकी अगुवाई करी, रात में प्रभु वो कभी अंधेरे में नहीं रहे, और बादल का खंभा बनकर परमेश्वर पिता आप उनके साथ दिन में चले ताकि परमेश्वर वह हमेशा छाया में चले। लॉर्ड हम धन्यवाद करते पिता, आप जानते हैं क्या इस भाई के लिए सही है, क्या आप जानते हैं कि क्या इनके जीवन के लिए सही है। लॉर्ड आप इनके जीवन में उन बातों को पूरा करें, आप जानते हैं कि इनके परिवारों की जरूरत क्या है, आप जानते हैं कि इनके परिवार में क्या परिस्थितियां हैं। लॉर्ड हम प्रार्थना करते प्रभु आज की शाम में आप इन भाई बहनों को सही रास्ते में चलने में, सही डिसीजन को चुनने में आप इनकी अगुवाई करें मेरे परमेश्वर पिता। आप इनके मार्गदर्शक हैं, आप इनके जीवन में इनके संग संग चलने वाले परमेश्वर हैं। लॉर्ड ये अपने आप को कभी अकेला फील ना करें, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग चलेगा। लॉर्ड सच में आप इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में इनके संग संग चलें, इस भाई इस बहन के संग में, इनके परिवार के हर एक जन के संग में आप चले प्रभु, आपका आत्मा इन्हें हर एक मार्ग में अगुवाई करे मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में मेरे प्रभु जी, लॉर्ड अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से आप इन्हें भरे, आपके सुख शांति समृद्धि इनके परिवारों में आए, आपका आनंद इनके परिवारों में आए, आपकी प्रॉस्पेरिटी इनके परिवार में आए, एक दूसरे के प्रति मेल मिलाप प्रेम शांति आनंद प्रभु इनके परिवारों में और इनके जीवन में आए मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। यदि इनके घर में परिवार में घटी कमियां हैं, यदि इनके जीवन में प्रभु जी घटी कमियां हैं, प्रभु अपने महिमा में धन से हर एक घटी कमियों को पूरा करे मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड, सच में आप धन्य हैं, आप महान हैं, आप विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर हैं प्रभु जी। जैसे प्रभु जी आप परमेश्वर दाऊद प्रभु अपने जीवन में हर एक काम को करने से पहले आपको पूछता कि पिता मैं क्या करूं, यीशु मैं क्या करूं, उसी प्रकार परमेश्वर ये भाई ये बहन अपने जीवन के हर एक मार्ग में चलने से पहले प्रभु ये तुझ से पूछने वाले हो सके, ताकि प्रभु आप इनका मार्गदर्शन करें, ताकि आप इन्हें सही रास्ते में ले जाएं। यदि अपने लाइफ पार्टनर को लेकर कंफ्यूज हैं, यदि अपने जॉब को लेकर कंफ्यूज हैं, यदि कंफ्यूज है कि हम कैसे अपने घर को मैनेज करें, कैसे इस रिश्ते को जोड़ें, कैसे इस बात को हैंडल करें, कैसे इस बिजनेस को हैंडल करें, लॉर्ड आप इनकी अगुवाई करें, आप इन्हें बताएं परमेश्वर पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हाँ परमेश्वर पिता, सच में खुदावंद यीशु मसीह आप हर एक मार्ग में इन्हें अगुवाई करें परमेश्वर पिता। जैसे प्रभु आपने इसराइलियों की अगुवाई करी, जैसे आपने मूसा को अगुवाई किया, जैसे आपने अब्राहम को चलाया, लॉर्ड वो हर समय प्रभु तुझसे पूछकर अपने जीवन में हर एक कदम को बढ़ाते, उसी प्रकार तेरे बेटे और बेटियां जिन्हें तूने बुलाया है, जिन्हें तूने चुना है, लॉर्ड ये भी प्रभु तेरे योजना के अनुसार अपने जीवन में चल सके, ताकि प्रभु जी ये कभी भी ठोकर ना खाएं, ताकि ये कभी भी फेलियर को ना देखने पाए, ताकि इनके जीवन में कभी निराशा ना आने पाए, ताकि इनके जीवन में कभी भी परमेश्वर पिता मुश्किल घड़ी ना आने पाए। यदि प्रभु ये तुझ में होकर बने रहे मेरे पिता, तेरे मार्गदर्शन हो, तेरे मार्गदर्शन को अपने जीवन का आधार माने, लॉर्ड सच में मेरे प्रभु आप इनके जीवन को आप सफल करिए प्रभु, आज जानने पाए पिता परमेश्वर, ये भाई वह जानने पाए कि सच में तू ही प्रभु इनका सच्चा मार्गदर्शक है, जो कभी गलत रास्ता नहीं बताता, जो कभी गलत रास्ते में हमें नहीं ले जाता। हाँ परमेश्वर पिता, ये अपने हर एक मार्ग में तुझ में विश्वास करें। लॉर्ड आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन प्रभु जी अपने जीवन में प्लान्स को बना रहे हैं, अपने जीवन के लिए बेस्ट प्लान्स को बना रहे हैं, लॉर्ड फादर आप उनके प्लान्स को फुलफिल करें और सक्सेसफुल करें। यदि अपने फ्यूचर को लेकर ये चिंतित हैं, इनके फ्यूचर को आपके हाथों में सौंपते, क्योंकि आपके हाथों में इनका भविष्य सुरक्षित है, इस भाई इस बहन का, इनके बच्चों का, इनके परिवार का भविष्य आपके हाथों में है। लॉर्ड इनके घर परिवार की हर एक जरूरतों को पूरी कीजिए, इनकी हर एक गलत बातों को इनके जीवन से दूर करें। यदि कलेश लड़ाई झगड़ा
पकड़ा। एडिक्शन प्रभु इनके परिवारों में प्रभु जी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। यीशु मसीह हर एक कर्जा, हर एक एडिक्शन, हर एक लड़ाई झगड़ा, कलेश इनके जीवनों से नाश होने पाए यीशु के नाम से। लॉर्ड आप इनके परिवारों में एकता को, प्रेम को, मेल मिलाप को और प्रभु एक दूसरे की कदर करना प्रभु ये सीखे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप ऐसा ही जीवन चाहते हैं, आप ऐसा ही लोगों को बनाना चाहते हैं, आप अपनी सिद्धताई और पवित्रताई में लोगों को बनाना चाहते हैं। यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ, यदि प्रभु इन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा लॉस को देखा है, यदि अपने जीवन में ये बहुत ज़्यादा कर्जे में है, यदि पिता परमेश्वर इनके जीवनों में प्रभु बहुत ज़्यादा लोन चढ़ा हुआ है, हाउस रेंट पे नहीं किया है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में ये चल रहे हैं, लॉर्ड मैं दुआ करती हूँ कि आप प्रभु इनके लिए सारी बातों में आप इन्हें अगुवाई करें और प्रभु इनके लिए चौरस मार्ग को बनाएं, ताकि परमेश्वर पिता ये कोई भी प्रॉब्लम से, कोई भी प्रॉब्लम इनमें ना पड़े, परंतु प्रभु जी आप इनके लिए उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस दे। लॉर्ड धन्यवाद प्रभु, इनके हर हाउस रेंट को पे करने में आप मदद करें, इनके लोन पे करने में आप इनकी मदद करें, लॉर्ड प्रभु इनके कर्जों को दूर करने में आप इनकी मदद करें, इनके हर एक फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करें मेरे प्रभु, इनके घर परिवार की हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जरूरतों को आप पूरा करें। धन्यवाद मेरे प्रभु, इस समय जो भाई बहन प्रभु अपने किसी भी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यदि अपनी जॉब के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जीवन के रिस्टोरेशन के लिए, अपने परिवार को जोड़ने के लिए, अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लॉर्ड आप उन पर दया करें, आप उनके परिवारों को एक करें, आप उनके रिश्तों को जोड़े परमेश्वर पिता, आप उन्हें अच्छा जॉब दें, अच्छा लाइफ पार्टनर दें, यदि संतान के लिए प्रार्थना करें अच्छी संतान दें। लॉर्ड हम दुआ करते प्रभु जी, यदि अपने बिजनेस के लिए इन्होंने प्रभु आजकल में स्टार्ट किया है, लॉर्ड उस बिजनेस को सक्सेसफुल होने में मदद करें, इनके हर एक हाथ के कामों को सक्सेसफुल होने में मदद करें। धन्यवाद करते परमेश्वर मेरे प्रभु, आज के शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप इन्हें मीठी और अच्छी नींद प्रदान करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे रात को रोते हैं, सोते नहीं हैं, लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें मीठी और अच्छी नींद देकर उनके डाइजेशन को ठीक करें और प्रभु उन्हें सोने में मदद करें परमेश्वर पिता मेरे खुदावन, हर एक चिड़चिड़ापन बच्चों के जीवन से दूर होने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन मेडिसिन खा के सोते हैं, लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं प्रभु होने दे प्रभु, उनकी दवाई खाना बंद हो जाए और आप उन्हें मीठी और अच्छी नींद प्रदान करें, वो सुकून भरी नींद सोने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो डरते हैं, जो घबराते हैं प्रभु, जो परेशानी और चिंताओं में हैं, यीशु मसीह हर प्रकार का डर, हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की बेचैनी यीशु के नाम से इनके जीवन से जाने पाए मेरे प्रभु, आप इन पर दया करें मेरे प्रभु। आज की शाम में यदि ये बीमार हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी आप इन्हें छू लें। यदि प्रभु इनके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी पाई जाती है, यीशु के नाम से प्रभु ये तेरे कोड़े खाने से चंगे होने पाए। हर प्रकार की बीमारी मैं तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, इनके शरीर को छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम से, हर एक दर्द यीशु के नाम से चला जाए मेरे प्रभु। तेरे कोड़े खाने से ये भाई ये बहन, इनकी हर एक बीमारी चली गई है और हर एक दर्द चला गया है। यदि आप बीमार हैं तो आप उस जगह पर हाथ रखें, यीशु राजा अपनी चंगाई भरे हाथ को इस भाई पर बढ़ाइए, इस बहन पर बढ़ाइए, इन्हें छू लें हर एक बीमारी से, हर एक कैंसर से, हर एक पैरालाइज की बीमारी से, हर एक स्टोन की बीमारी से, हर एक स्किन प्रॉब्लम से आप इन्हें चंगाई दें, हर एक माइग्रेन की प्रॉब्लम से, हर एक मिर्गी के दौरों से यीशु के नाम से आप इन्हें चंगाई दें, हर एक दर्द से आप इन्हें चंगाई दें। यदि हाथों में, पैरों में, शरीर के किसी भी अंग में दर्द है, यीशु मसीह आप इन्हें चंगाई दें। धन्यवाद करते लॉर्ड, धन्यवाद कि आपने इनके दर्द, इनकी बीमारियों के लिए अपनी पीठ पर 39 कोड़े खाए लॉर्ड। सच में प्रभु तेरे कोड़े खाने से ये भाई ये बहन चंगे हो गए हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते प्रभु। आज की शाम में प्रभु जी आपने प्रभु इन भाई बहनों की प्रार्थना को सुना है, हम सब की प्रार्थना को सुना है, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। धन्यवाद करते प्रभु, सबको तेरे सुरक्षा दायरे में रखते हुए सबको आप मीठी और अच्छी नींद प्रदान करें, हर एक चिंता, हर एक मुसीबत, हर एक विपत्तियों को इनके जीवन से दूर करें लॉर्ड, और इन्हें ब्लेस करें प्रभु, छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु आप सबको ब्लेस करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।